नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर के आया हूं। अक्सर क्या होता है कि हम पौधा लगा देते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम शुरू में पौधा लगाते हैं, तो मैं खुद कहता हूँ कि खाद की मात्रा बहुत कम डालिए। जैसे बच्चा होता है थोड़ा थोड़ा खाना खाता है, इसी तरह से इनको भी चाहिए। अभी देखिए, कार्नेशन की हम बात कर रहे हैं आज। कार्नेशन के पौधे हमने बहुत पौधे दिए और इतनी डिमांड इसकी आई कि हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए। ये बड़े वाला कार्नेशन है जो हाइब्रिड बड़े वाला होता है। तो ये देखिए क्या होता है कि ना तो कोई पौधे मरे हमारे पास, कई लोगों के बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कईयों के कुछ मर गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, पानी हम कम डालने के लिए बोल रहे थे, कहीं ज़्यादा डल गया या कोई ज़्यादा नीचे करके लगा दिया। तो दोस्तों ये देखिए, सारे कार्नेशन हमने लगा रखा है, एक एक गमले में दो दो लगाया था। कुछ कबूतरों ने देखिए इस तरह से तोड़ दिया था और टूटने के बाद भी इसमें से फुटाव कर रहा है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये भी, ये पौधा भी टूट गया और टूटने के बाद भी देखिए नीचे से इसमें से तीन ब्रांच निकल के आ रही हैं। तो मैं दोस्तों आज आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि इन पौधों में जान डाल देगा। कहने का मतलब, जब एक बार पौधे चल पड़े तो उनको खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो पूरा बूस्ट अप कर सकें। जितनी ग्रोथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, फ्लावर का साइज उतना होगा। उसका एग्जांपल आप ये देखिए कि ये जो है हमारे लगे हुए हैं अपना रेनुकुलस के बल्ब, रेनुकुलस के बल्ब्स लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि एक ये पौधा, ये रेनुकुलस का एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें भी एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें भी एक बल्ब लगा हुआ है। इसकी आप ये देखिए कि नीचे के पत्ते हम तोड़ देते हैं नीचे के, और ये जो हमने इसको क्या किया है, ऐसा एक ऐसी ट्रिक हम बता रहे हैं आपको आज कि जिसमें आप उसी पौधे के अंदर, कहीं तो फूल नहीं आ रहा और कहीं देखिए कि कितनी, ये छोटा सा गमला है, गमले वाला भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए इसके अंदर बर्ड्स, ये देखिए तीन बर्ड्स यहाँ है, ये बर्ड्स आ रही हैं, ये तीन बर्ड्स है और ये खिल रहा है, खिलने को तैयार है येलो कलर में। इसी तरह से ये रेड कलर में देखिए, रेड कलर के अंदर इसमें भी बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखेंगे एक जो ये जो अपना क्या कहते हैं, गाजरी कलर बोलते हैं इसको या पीच कलर बोलते हैं, ये कलर शुरू हो रहा है। और इसकी हेल्थ देखिए, हेल्थ क्या है, ये हेल्थ कैसे आई, तो आज मैं आपको ये राज बताने वाला हूँ कि ये इस तरह से ग्रोथ कैसे आएगी। छोटा गमला है तो क्या हुआ, लेकिन इसके अंदर भी ग्रोथ आ रही है। यहाँ के साथ साथ ये देखिए, ये नीचे से और निकलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं नीचे से, तो ये इस तरह से आ रही हैं। और भी हमारे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें आप देखेंगे, ये देखिए इतने बड़े बड़े स्टिक्स बन रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक एक पौधों के अंदर कितना कितना फुटाव, ये देखिए पूरा पूरा भर गया हुआ है, ये भरा हुआ है। इसके साथ ये देखेंगे इस तरह से ग्रोथ आ रही है इसके अंदर, एक एक पौधा, सिंगल सिंगल पौधा। ये जो है हमारा डेजी का, ये देखिए कितना भरा है कि पूरा गमला भर देगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल इसके निकल के आ रहे हैं, अलग अलग कलर में निकल के आ रहे हैं। और पौधे की भी हेल्थ देखेंगे, सिंगल पौधा है, इसके अंदर बर्ड्स देखिए नीचे नीचे बर्ड्स आ रही हैं, क्या खूबसूरत लगता है ये। तो इनका इतना सारा फूल लेने का जो राज है, हम क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या देना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ, आइए हम देखते हैं कि हम आखिर ऐसा क्या डालते हैं इसके अंदर, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इतने खूबसूरत और इतने ज़्यादा फूल हमारे आ जाए। दोस्तों ये देखिए, ये 8-8 इंची के गमले में इतना फूल हमारा आया हुआ है और कलर भी आप देखेंगे, गजब का कलर निकला हुआ है। ये देखिए इसके अंदर येलो के अंदर भी इसका जो बॉर्डर है वो पिंक कलर का निकल के आ रहा है, ये देखेंगे इसकी खूबसूरती तो और देखते हुए बनती है। तो दोस्तों इन सबको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए होता है। ये ब्लड रेड में देखिए क्या कलर उठ के आया है इसके अंदर, इन्हीं तरह से इनके साइज आप देख सकते हैं कि क्या साइज आए हैं। दोस्तों ये पौधा है और ये पौधा है, लगा एक टाइम का ही हुआ है, ये देखिए इन गमलों में लगा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया, जब पौधा चल गया तो इसके हमने रूट फिलिंग कर दी। रूट फिलिंग करने के बाद आप इसका देख सकते हैं, एक दो और ये देखिए तीन, ये चार पाँच, यहाँ पे छः जो ग्रोथ है ये निकल के आ रही हैं। इसी तरह इसके अंदर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः ग्रोथ निकल के आ रही हैं। इसी में इस तरह से देखेंगे, ये देखिए, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लांट को बूसी बना देगा। ऐसे बूसी नहीं बनाएगा, इसको खुराक देना होता है। इसमें हमने खुराक दिया और इसमें हमने खुराक अभी नहीं दिया है, देना है इसको, देना है। तो इसको खुराक देंगे क्या, आखिर क्या देंगे,
वर्मी कंपोस्ट खाली देने से या गोबर खाद देने से ये बात नहीं बनती है, उसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, मतलब जो भी कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए वो डलता है। तो हमारा ये फ्लावर फूड है, ये देखिए ये फ्लावर फूड आप देख रहे हैं, ये फ्लावर फूड से हम इसकी रूट फिलिंग करते हैं। और ये 8-10 इंची का गमला है तो बहुत ज़्यादा नहीं डलना है। हमारा ये 2 किलो का पैक रहता है, इसके अंदर हर चीज़ मिक्स है, इसके अंदर जितने भी सीजनल फ्लावर फूड है, फ्लावर हैं उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये इतने से गमले में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए ये सिंपल सा मेथड है, इस तरह से हम इसको मिट्टी को खोदते हैं। ये देखिए ये मिट्टी खोद दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी जो है एक देखिए भुरभुरी है, मॉइस्चर है जस्ट। और ये हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मुट्ठी ये लेंगे और इसमें ऐसे डाल के इससे ढक देंगे। ये खाद ऐसा है इसको हमें ढक के ही देना है, मतलब कहने का मतलब डालना है तो खोद के मिट्टी में दबाना है, क्योंकि खाद हमारा जो है वो प्रॉपर जैविक है। अगर हम इसको ओपनली डालते हैं तो इसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो वैल्यू बननी चाहिए। अब दूसरी तरफ हमने देखिए इसी तरह से ये खुदाई कर दी है इसकी, ये खोद दिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये एक मुट्ठी ऐसे लेंगे और इसके अंदर ये डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये डाल दिया हमने, ये हमारा रूट फिलिंग हो गया। अब रूट फिलिंग कब करनी है, जब आपको लगे कि 1 महीना हो गया, क्योंकि अक्सर लोगों का क्या क्वेश्चन आता है, ग्रोथ ही नहीं कर रही है। अब मैंने रेनुकुलस आपको दिखाया कि कितने बढ़िया रेनुकुलस के फूल, कितनी ग्रोथ उसके अंदर हो रही है, एक एक गमलों में तो ऐसा है कि 10-10 ब्रांचेस उसके अंदर निकल आई है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वो निकला हुआ है, लेकिन क्या करना है कि इसको टाइमली ये खाद चाहिए, फर्टिलाइजर देंगे तभी ग्रोथ आएगी। तो जिन लोगों का ऐसा नहीं हो रहा है, जो ये प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस से डालें, लेकिन कोई 15 दिन में 10 दिन में ना डालिए, नहीं तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि एक्सेस खाना हम भी खा लें तो वो भी हमारे लिए नुकसान करता है। ठीक इसी तरह प्लांट्स में है कि हमें ये कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप अगर लेके चले तो कम से कम समय जो है आप 1 महीना यानी 30-40 दिन बाद ही कोई खाद इसमें सीजनल प्लांट में दें, रोज़ रोज़ ना डालें। हाँ, इसके बीच में एक लिक्विड का डोज डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो, अदरवाइज जब इस तरह से ये डाल दिया आपने फ्लावर फूड तो कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही सफिशेंट है हमारी पूरी फ्लावरिंग के लिए। और फिर अब कब डालना है, अब 1 महीना या 1.5 महीना 30 से 40 दिन बीत जाए तब दोबारा हम इसको खाद देंगे, इससे पहले कोई खाद नहीं देंगे। तब तक तो आप देखेंगे जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं ये पूरे गमले को भर चुकी हुई होंगी और बर्ड्स आ रही होंगी, उस टाइम डालना है। अब बात ये आती है कि बर्ड्स के टाइम कौन सा खाद ना डालें, जब बर्ड्स निकलनी शुरू होती हैं उस टाइम आप DAP मत डालिए, अगर आप यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं करता ही नहीं हूँ यूज़, या आप बर्ड्स के टाइम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सेफ खाद है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक सरसों की खली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी भी मेरे पास आया था कि हमारी बर्ड्स नहीं खुल रही है, मैंने कहा क्या किया आपने, बोले हमने सरसों की खली डाल दी थी। तो सरसों की खल अच्छी है लेकिन बहुत कम मात्रा में डालिए, ग्रोथ पीरियड में डालिए, लेकिन बडिंग के टाइम पे बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो वो बर्ड्स को हार्ड बना देती हैं और वो खुलती नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको अपना करके आप एक ही पौधे में सैकड़ों फूल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये आपको टिप जरूर बताएँ, और किसी तरह की क्वेरीज के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लिख सकते हैं। फ़ोन ना करें, कॉल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने लोगों का, व्हाट्सएप पे डालेंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। किसी पौधे में दिक्कत है तो उसकी फ़ोटो डालिए, फ्लावर फूड लिखना है अगर ये चाहिए तो सिर्फ फ्लावर फूड लिखेंगे, इसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, आगे भी बने रहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए।